शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। गोविंद, सब काम हो गया ना? जी जी मैडम, सब काम हो गया, बस नाश्ता 5 मिनट में बन जाएगा। ये साफ सफाई की है तूने? मैं अभी कर देता हूँ मैडम। अभी क्यों किया? पहले क्यों नहीं? आगे से गंदगी दिखी ना तो हंटर से मार मार के तेरी चमड़ी उधेर दूँ। सुबह सुबह इस गोविंद ने क्या कर दिया भाभी? वही जो इस पर रोज रोज का काम है। अरे इस गधे से एक काम ढंग का नहीं होता है, काम चोर कहीं का। अरे खड़े खड़े क्या रो रहे हो, चलो नाश्ता लगाओ जल्दी, भूख लगी है। चल जा। बात बता, कल रात की पार्टी कैसी थी? अरे भाभी पार्टी में तो बहुत मजा आया, पर ना मेरा हैंगओवर अभी तक नहीं गया है। और हाँ, अगर आप आती ना तो पार्टी का मजा डबल हो जाता। वो तो है। अच्छा ये बता कौन कौन आया? ये सब बातें बाद में, मुझे बहुत जोर से भूख लगी, आइए पहले कुछ खाते हैं। मैडम गलती हो गई, शायद मिर्ची गलती से ज्यादा पड़ गई हो। भाभी जानबूझ के ना खाने में मिर्ची डाली है। शिखा शान, ये कभी किसी से भी गलती हो जाती है। मैं बात करती हूँ। गोविंद कोई बात नहीं। अरे इसमें इतनी घबराने वाली कौन सी बात है, बैठो 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 बैठो। अब ये खा। मैडम माफ कर दीजिए मैडम, मैं अगली बार से ऐसी गलती नहीं करूंगा, प्लीज। पता है गोविंद तुम आगे से ऐसा नहीं करोगे। बात बताओ अभी जो तुमने किया है इसकी भरपाई तो करनी पड़ेगी ना। चल खा। ऐसे नहीं खाएगा भाभी, अब खाएगा। मैडम नहीं, मैडम नहीं, प्लीज मैडम, मैडम नहीं, मैडम नहीं। अरे रहने दो, मर जाएगा बेचारा, क्या कर रहा है। अरे ये ऐसे ही गलती करता रहता है भाई। कल सुबह नाश्ते में सिंगल ऑमलेट में डबल नमक डाल के दे दिया मुझे। क्या करोगी, ये झाड़ो पोछा करने वालों से घर में खाना बनवाओगी ना तो ऐसे बनाएगा ये। चलो उठ, हे 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 कर रहा, जा नाश्ता बना और इस बार गड़बड़ नहीं करना, समझा ना, ये मिर्ची अरे खीर। चल परेशान हो रही। एक मिनट, आपको मैंने मेड के लिए किसी से बात करने के लिए कहा था ना? हुँ? आपने किसी एजेंसी से बात की? अरे भाभी हमेशा की तरह ना
भैया भूल गए होंगे, है ना भैया? हाँ बिल्कुल, इसीलिए एजेंसी वालों से बात करके रखा हूँ मैं, समझी? साहब एक काम वाली आई है। लो भाई मुबारक हो, आ गई। आ रही कहाँ है, दिख तो रही नहीं। दिखा दो भाई, दिखाओ। नमस्ते। नमस्ते, क्या नाम है तुम्हारा? रमा नाम है मैडम जी। सब काम आता है ना घर का? खाना बना लेती हो ना? जी, खाना बनाने से लेकर घर का सारा काम कर लेती हूँ। खाने में वेज, नॉन वेज, चाइनीज, साउथ इंडियन। बस बस, बस। गोविंद इधर आ। गोविंद, ये रमा है, इस घर की नई नहीं, इसे अपने साथ ले जा और सब काम ठीक से समझा। गोविंद चल के रसोई दिखा दो उनको। रुको, ऐसे कैसे आते ही किचन में चली जाओगी? पता नहीं कहाँ से घूम घाम के आ रही हो, पहले जाके नहा धो लो, कपड़े बदलो, फिर जाना किचन में। बताओ आते ही कह रही है रसोई दिखा दो, काम करो, जाके पहले नहा धो लो, जा। जी मैडम जी। जी आप यहाँ? मैं ही हूँ और कोई नहीं है। यहाँ कहाँ थे तुम अभी तक? हम मिल गए हैं ना, तो देर मत कीजिए, अपनी बाहों में भर लीजिए। साहब जी, साहब जी, साहब जी, क्या हो गया आप यहाँ? किसी चीज की जरूरत होगी तो मुझे बता दे। जी साहब। गोविंद एक बात पूछे, तुम यहाँ कब से काम कर रहे हो और यहाँ छुट्टी कब मिलती है? जब भी छुट्टी मिलेगी हम अपने भैया से मिलने जाएंगे। गोविंद हम कब से बोले जा रहे हैं पर तुम कुछ बोल ही नहीं रहे। भैया, लो भैया को याद किया, भैया का फोन आ गया। हेलो रमा, ठीक से पहुंच गई ना? हाँ मोहन भैया, हम अच्छे से पहुंच गए। रमा, मन थोड़ा घबरा रहा था, मुझे ठीक नहीं लग रहा था कि तू उतनी दूर काम करने गई है, चिंता हो रही थी तेरी। अरे भैया चिंता क्यों करते हो, मैं ठीक हूँ। और पता है भैया, ये बहुत बड़े लोग हैं, अच्छे पैसे मिलेंगे। ये बड़े लोग किसी के नहीं होते रमा, हम जैसे छोटे लोगों को कीड़े ही समझते हैं। हमें कौन सी यहाँ जिंदगी बितानी है, यहाँ से बहुत सारा पैसा कमाऊंगी ताकि आपका इलाज करवा सकूं। तभी तो आप अपने पैरों पर खड़े हो पाओगे ना। मैडम जी हमारा फोन, भैया से बात कर। मैडम जी मेरे भैया का फोन है। हेलो मैडम जी, हमारा फोन दे दीजिए।
भैया से बात करनी है, मुझे दे दीजिए फोन। क्या है ना रमा, इस घर में नौकरों को फोन पे बात करना मना। रमजी हमें पता नहीं था और हम अपने भैया से बात कर रहे थे, वो विकलांग है ना, चल फिर नहीं सकते, उनका हमारे सिवा कोई नहीं इस दुनिया में। रमा तुम्हारी कहानी तो बहुत दुख भरी है, तुमको फोन चाहिए ना, लो। रमजी आपने ये क्या, मैडम जी भैया से बात करनी, मैडम जी मेरा फोन। रमा फोन तो पानी में चला गया, अपने किसी काम का नहीं। अब गोविंद तूने इसे इस घर के नियम कानून के बारे में नहीं बताया? हाँ तेरे सामने ये फोन पे बात कर रही थी तो तू खड़ा होकर मुंह देख रहा था, अपने हाथ से अपने गॉल पे 100 थप्पड़ मार। कम ऑन मार। अरे भाभी देखो टाइम कितना हो गया, हमें शॉपिंग के लिए जाना है और उसके बाद मूवी भी तो देखनी है ना। हाँ अच्छा सुन, दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। गोविंद हमें माफ कर दो। कोई बात नहीं दीदी, इस घर में खाने से ज्यादा तो सजा मिलती है, तो आदत सी हो गई है, छोटी छोटी बात पर माया मैडम बहुत मारती है, मैंने तो पूरे घर में सीसीटीवी कैमरा लगा दिए, सब पे नजर रखती है, ताकि तो हम अपने मर्जी से कुछ कर भी नहीं सकते। जो लोग पहले यहाँ काम करते थे ना वो सब लोग भाग गए। क्यों नहीं भागे? एक बार हमने भागने की कोशिश की थी मगर सिक्योरिटी गार्ड ने हमें पकड़ लिया था और मैडम के हवाले कर दिया था। तो परेशान हो तो कुछ ना कुछ हम जरूर करेंगे। साहब आपसे कुछ बात करनी है। बैठ। कोई नहीं घर में, मैं हूं बस अकेले। बोलो क्या बोलूं मैं, घबराओ मत ऐसा मेरे सामने बोलो, खुल के बोलो। साहब हम यहाँ जाना चाहते हैं, हम यहाँ काम नहीं करना चाहते हैं और हमें पैसे भी नहीं चाहिए, साहब हमारी मदद कर दीजिए, हम नहीं रहना चाहते इधर। क्या हुआ, क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ बोला, कोई भी प्रॉब्लम है मुझे बताओ, ठीक कर दूंगा सर। साहब हाथ छोड़ दीजिए, हम यहाँ काम नहीं करना चाहते, छोड़ दीजिए हाथ, छोड़ दीजिए साहब। छोड़ दिया, आप ठीक है? ठीक से बैठो, मालिक हो तुम्हारा, मैं पैसा देता हूँ ना, मैं सेवा करूँ, सेवा करूँ, सजाता
सेवा क्यों कर रहे हैं? मैं कुछ नहीं करूँ, मैं कुछ नहीं करूँ, सिर्फ सेवा कर। छोड़ दीजिए भगवान की, छोड़ दीजिए। इसे अच्छा लगा ना आज? क्या कर रही तू? बहुत मजा आया कूलर में। खबरदार, जो शिकायत की मेरे सामने, समझी ना? निकाल दूंगा यहाँ से। क्या हुआ राजी? अच्छा हुआ तुम लोग आ गए, इनसे मिलो, ये शिकायत कर रहे थे तुम लोगों की। हाँ? खास करके तुम्हारी मुझसे, कह रहे थे कि काम छोड़ के जाना है, काम पसंद नहीं इसे। भाई ये तुम्हारा मामला है, तुम समझो, मैं तो चला। क्यों रे? अब तुम मेरे पति से मेरी शिकायत कर और इसको घर छोड़ के जाना है? मतलब तू इस घर की मालकिन की शिकायत करेगी? हाँ भाभी, इसमें ना बहुत अकड़ हो गई है, लगता है इसको डोज देना ही पड़ेगा। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने कुछ नहीं कहा। माफ कर दूँ? हाँ अभी माफ कर देती हूँ भाभी। तो रमा मुझे भी बता कि तूने आखिर मेरे पति से मेरे बारे में क्या शिकायत की है? बता, बता। मैंने कुछ नहीं बताया। मेरी शिकायत करनी है तुझे? बता ना। बता। बता। मेरी शिकायत करेगी? मेरी शिकायत करनी है? मेरी शिकायत करेगी तू? मेरी शिकायत करनी है तुझे? दीदी, दीदी मैंने आपको मना किया था ना कि मत जाओ साहब के पास, यहाँ हमारी सुनने वाला कोई नहीं है, लोग इंसान नहीं जानवर है, जानवर कितनी बेरहमी से मारा है। मैडम मार से नहीं डरेंगे, आप चाहे जो भी हो जाए मैं इस नर्क से निकल के रहूंगी, मैं चुप नहीं बैठूंगी अभी। हाँ लेकिन कल ब्लैक ड्रेस में तुम कमाल लग रही थी। अरे प्रेजेंटेशन पे ध्यान ही नहीं था मेरा, तुम्हारे ऊपर था, दिल तो कर रहा था दबोच लो। ऐसा मत बोलो वरना मैं अभी आ जाऊंगा। अब भी समझ ठीक है, ठीक है, हाँ मैं पहुंच जाऊंगा कल टाइम पे आ जाऊंगा, डोंट वरी, ओके बाय। किस लड़की से बात कर रहे थे राजीव? लड़की मतलब ये जिसमें बात कर रहा था, अरे ये सिगरेट की है भाई, नई वाली, ये कल ऑफिस में जो प्रेजेंटेशन करना है ना उसके बारे में बातें हो रही थी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो? झूठ और तुमसे क्या जरूरत पड़ गई मुझे झूठ बोलने की? अरे कमाल लग रही हो भाई, कमाल लग रही हो सेक्सी ड्रेस में, रेड नाइटी। तुम भी ना, जब भी मैं गुस्सा होती हूँ ना ऐसी बहकी बहकी बातें करके मुझे पिघला देती। स्वीट हार्ट, बैंकॉक की नाइटी ने बैंकॉक की याद दिला दी। और क्या, अरे सारे लोग आने वाले हैं। तुझे आना ही पड़ेगा, कोई बहाना नहीं। हाँ पक्का ना? चल ठीक है, तो शाम को मिलते हैं। हाँ बाय।
भाभी भाभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा हूँ, रात को पार्टी में कौन सी ड्रेस पहनूं, ये वाली, ये, ये, जा ये। एक मिनट, एक मिनट। गोविंद, गोविंद। जी मैडम जी। शिखा, मैंने गोविंद को बुलाया था। तू क्यों आई है? मैडम गोविंद की तबीयत ठीक नहीं है, उसको बुखार है। गोविंद को बुखार है? बताओ, शाम को किटी पार्टी है और बेचारे को बुखार है। अब शिखा, गोविंद को दवाई देनी पड़ेगी ना। हाँ भाभी। ताकि वो जल्दी ठीक हो जाए। बीमार है तो दवा तो जरूरी है ना। हाँ। अब अच्छा सुन, तू ये नीली वाली साड़ी ना प्रेस कर देना, और ध्यान से, साड़ी बहुत महंगी है और शाम को पार्टी में मुझे यही साड़ी पहननी है, ठीक है? जी मैडम। ध्यान से। हाँ में पार्टी, इतने सारे मेहमान आने वाले हैं और इसे देखो बुखार का नाटक करके सो रहा है। नहीं मैडम, हमें सच में बुखार, हम बहाना नहीं कर रहे। नहीं मैडम, हमें सच में बुखार है। तेरा बुखार ना अभी ठीक करते हैं। भाभी, इसके बुखार की दवा। नहीं मैडम, दवा तो देनी पड़ेगी, नहीं तो तू ठीक कैसे होगा? गोविंद, गोविंद, नहीं मैडम, गोविंद, मैडम मैडम माफ कर दीजिए मैडम। गोविंद का सारा काम मैं कर लूंगी, प्लीज इसे आराम करने दीजिए, प्लीज। आराम करने दीजिए, एक बात सुन ले, इस घर में जिसका जो काम है ना, काम वही करेगा। और हाँ, जब तक ये अपना सारा काम ठीक से नहीं कर लेता ना, इसे कोई खाना पीने के लिए नहीं पूछेगा। और तू तो अगर अपना सारा काम ठीक से नहीं किया ना, तो मोर मोर के तेरी चमड़ी उधेड़। चल शिखा, चलो घर। और कर्नाटक कर रखा है। गोविंद, गोविंद, गोविंद। सॉरी। समझाया था ना तुझे, समझाया था ना, फिर भी समझ में नहीं आया। हाँ भाभी, गोविंद के चक्कर में ना इसने आपकी ये महंगी साड़ी जलाई है। मैं तो कहती हूँ ना, इसको ऐसी सजा मिलनी चाहिए ना कि ये जिंदगी भर याद रखे। सजा तो इसे मिलेगी शिखा, सजा इसे मिलेगी। अरे अरे, कहाँ घुसे चले आ रहे हो भाई, हाँ? जाओ जाओ, बाहर जाके भीख मांगो। भाई भिखारी नहीं है हम, हमारी बहन यहाँ काम करती है, हम उसी से मिलने आए हैं। अरे कोई मिलना जुलना नहीं है, पर कोई रहता नहीं है, चलो जाओ ऐसे जाओ, चलो 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 चलो। अरे ऐसे कैसे भाई, पूरे दो हफ्ते हो गए हैं, रमा का ना फोन लग रहा है ना ही उसकी कोई खबर है, हम अपनी बहन से बिना मिले नहीं जाएंगे। अरे कहा ना मैंने, अच्छा रुको हम आते हैं। भाभी, आपकी साड़ी तो जल गई है, अब आप शाम को पार्टी में क्या पहनेंगी? वही ना,
तुझे पता है रात की पार्टी के लिए स्पेशली मैंने वो साड़ी ली थी, लेकिन इस गधी से कोई काम हो तब ना, देखते हैं कुछ ना कुछ तो ऑप्शन निकालना ही पड़ेगा। मैडम रामा का भैया है उससे मिलने के लिए। मैडम छोड़ दीजिए हमारा, भाई से मिलना है मुझे, मैडम छोड़ दीजिए प्लीज। सुनो बाहर जाके इसके भाई से कह दो कि अभी घर में कोई नहीं है, सभी लोग बाहर गए, समझ गए ना? प्लीज मैडम, प्लीज आप ऐसा क्यों कर रही हैं, मुझे अपने भाई से मिलने दीजिए, अब क्या हाथ जोड़ती हूँ मैं क्या करूँ रबा, घर में बहुत काम है, गेस्ट आने वाले हैं, और अगर उनके आने से पहले तुमने सब काम ठीक से नहीं किया तो अपने भाई से मिलने लायक रहोगी भी नहीं, समझी? जा जाके काम कर। रमा कहाँ था ना, यहाँ कोई नहीं है, चलो जाओ यहाँ से। अरे सब बाहर गए हैं। बाहर गए हैं, कब तक वापस आएंगे? अरे अब क्या पेपर में लिख कर दूँ तुम्हारे को? रामा कहाँ गई है? अरे वो कब तक आएगी? अरे बड़े सवाल करते हो, बोला ना यहाँ कोई नहीं है, चलो जाओ यहाँ से, चलो। रमा मौका अच्छा है, अगर हम किसी गेस्ट को बता दें कि हम मुश्किल में हैं तो शायद हमारी कोई मदद कर दे। पर अगर पकड़े गए तो? अब यहाँ से निकलना है तो कुछ तो करना पड़ेगा ना, देखो ये बनाया मैंने। गोविंद रमा वहां खड़े हो कि क्या खुसर पुसर कर रहे हो? हाँ हाँ आओ, मेहमानों को ड्रिंक सर्व करें। हाँ चलो आओ। माफ कर दीजिए मुझे भाभी। ये क्या किया तूने? गलती से गिर गया, माफ कर दीजिए। ध्यान रखना चाहिए। अरे भाभी उधर क्या कर रही हैं? इधर आइए ना। हाँ ध्यान से काम करो। लिसन गाइस, देखो पार्टी ना बहुत ही ज्यादा बोरिंग हो रही है, इसको एक्साइटेड बनाने के लिए ना कुछ करते हैं। ए सुनो तुम दोनों इधर आओ, आओ ना। अरे जल्दी आओ। तो एक काम करते हैं, म्यूजिक चलाते हैं और तुम दोनों ना उसमें ना डांस करो। हाँ बहुत अच्छा, चलो शुरू हो जाओ। क्या हुआ? अरे शर्मा क्यों रहे हो, डांस करो, चलो चलो थोड़ा थोड़ा। गोविंद नहीं 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 डांस में ना मजा नहीं आ रहा है, कुछ और करते हैं। तुम इमेजिन करो कि तुम इसकी गर्लफ्रेंड हो और तुम इमेजिन करो कि तुम इसके बॉयफ्रेंड हो। हाँ इजी हो जाएगा, चलो स्टार्ट। यस यस कम ऑन, एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के देखो। अरे आंखों में आंखें डालो। हाँ हाँ हाँ
अरे उसे बाहों में लो। अभी उसकी ना बॉडी को अच्छे से टच करो और फील करो। एक दूसरे को फील करो। वाह बहुत मजा आ रहा है। भाभी धीरे धीरे आप मेरे दिल के। वाह कितना मजा आ रहा है। अरे मेरी जान तुम एक बार बोलो तो पहुंच जाऊंगा उड़ के तुम्हारे पास। बोलो आ जाओ। अरे यार क्या बीवी का नाम है। वो अपने दोस्तों के साथ किटी पार्टी मना रही है। अरे मैं भी पार्टी के लिए तैयार होके बैठा हूँ कि भाई कोई बुला ले दो चार बैग पी लेंगे साथ में। हैं आ जाओ तुम्हारे पास क्या बोलती है। हाँ क्या मैडम जी आपको डिनर के लिए बुला रही हैं। सर मैं तुम्हें बात करता हूँ। अब वो मेरा फोन वहां रखा हुआ है। साहब आपने दरवाजा क्यों बंद कर दिया। मुझे बाहर जाना है। मुझे बाहर जाने दीजिए। बाहर जाना है। खोलो। साहब आप हट जाइए मुझे बाहर जाने दीजिए। हटिए मुझे बहुत काम है। हट जाइए आप। दरवाजा इसलिए बंद किया है कि अंदर की बात अंदर ही रहे। हम दोनों अंदर अकेले कुछ चीजें यहाँ थोड़ी रहे। साहब क्या कर रहे हैं आप। ये पूरी कर रहा हूँ। क्या कर रहे हैं। छोड़िए मुझे। अरे इसे पूरा करना है। सब छोड़िए मुझे। और तुम सर तुम छोड़िए छोड़िए कर रहे हैं। छोड़िए क्या कर रहे हैं। प्यार से समझौता कर लो ना मुझसे। मैं कुछ होने नहीं दूंगा। साहब क्या कर रहे हैं आप। राजीव क्या कर रहे हो। जल्दी आओ ना। आज ये घर पे अकेली है और मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा मौका हमें कभी मिलेगा। उस नरक में मरने से अच्छा है ना कि हम भागने की कोशिश करें। फिर जो होगा देखा जाएगा। पर शिखा मैडम तो सामने ही बैठी है। हम भागेंगे कैसे। ओह गॉड ये वाली भी बहुत अच्छी लगी। बड़ी भी पहनेंगे। वाओ ये भी शॉपिंग की जाए। ये वाला भी बहुत सूट करेगा मुझे।
कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? मैडम ये तो इसका मतलब उससे बच के चले जाओगे। चलो अंदर। हाँ चलो चलो। अच्छा हुआ कि आज मेरी फ्लाइट कैंसिल और मैं वापस आ गई, नहीं तो आज ये दोनों फुर हो जाते। पता है क्या, भगवान भी ये चाहते हैं कि तुम दोनों यहाँ से कहीं मत जाओ। भाभी इन दोनों को आज ऐसी सजा देना ना कि दोबारा कभी भागने के बारे में सोच ना पाए। और तुम, तुम्हारा सुना मैं सर फोड़ूंगी। मुझे सिर पे मारा था ना भाभी, आज छोड़ना मत इन दोनों को। चुप चुप चुप। पता है क्या, तुम दोनों यहाँ आए तो हो अपनी मर्जी से, लेकिन यहाँ से जाओगे तो मेरी मर्जी से। भागेगा, तू कहाँ भाग रही है? भाभी उसको छोड़ना मत। कहाँ भाग रही थी? भागना है तुझे। चुप भाग, जब भाग लो, भाग लो। भाभी क्या अब ये मर गई है? ये तुम्हारी इस बेवकूफी की वजह से रामा की जान गई, समझ में आ रहा है तुम्हें? और अगर लोगों को मालूम पड़ गया ना तो जिंदगी भर जेल में चक्की पीसते रहेंगे हम लोग। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत, मैंने सब कुछ प्लानिंग कर ली है। एक काम करो, तुम पुलिस को फोन लगाओ। पुलिस? सर कुछ टाइम से ना गोविंद और रमा के बीच संबंध थे। आज पता नहीं सुबह किसी बात में दोनों में अनबन हुई और रमा ने सुसाइड कर लिया। मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ सर। गोविंद कहाँ है इस समय? गोविंद गोविंद भाग गया। मेरे कहने का मतलब है सर कि जब से रमा ने सुसाइड किया है ना, गोविंद लापता है। हाँ ना? पता नहीं कहाँ गया। क्या हम आपके घर की सीसीटीवी फुटेज देख सकते हैं? सीसीटीवी फुटेज तो नहीं मिल पाएगी ना सर, क्योंकि डीवीआर खराब है। हाँ। ये हो गया सब डिलीट। अब अगर पुलिस सीसीटीवी फुटेज मांगेगी तो कुछ नहीं मिलने वाला है, और डीवीआर तो हमने पहले खराब कर रखा है। साहब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जल्द है और गोविंद को जल्द से जल्द। ऐसा कीजिए, आप हमें गोविंद की फोटो व्हाट्सएप कर दीजिए, हम उसका जल्द से जल्द पता लगा लेंगे। ओके। मुझे जाने दो, मुझे अपनी बहन से मिलना। अब तू अपनी बहन से कभी नहीं मिल सकता, तेरी बहन ने छत से कूदकर अपनी जान दे दी। क्या ना सुना बक रहे हो? हाँ कहाँ है मेरी बहन? बहुत सुन, तेरी बहन का चक्कर गोविंद के साथ चल रहा था और वो भी यही काम करता था। आज सुबह दोनों का झगड़ा हुआ और उसने बालकनी से कूदकर अपनी जान दे दी। झूठ बोल रहे हो तुम, ऐसा नहीं हो सकता। अरे ऐसा ही कहाँ है मेरी बहन? निकल। अरे खोलो खोलो,
खोलो, मुझे अंदर जाना है, मुझे अपनी बहन से मिलना है, खोलो। भाई बीवी हो तो तुम्हारी तरह हुआ। कितनी आसानी से संभाल लिया, किसी को पता भी नहीं चलने दिया कि घर में हुआ क्या। इंस्पेक्टर साहब आप लोग सब ठीक तो है ना? रामा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हमें पता चला है कि उसे मरने से पहले बुरी तरह से टॉर्चर किया गया था, उसके शरीर पे हमें चोट के निशान भी मिले हैं। अब सर क्या है ना, वो गोविंद और रमा के बीच अक्सर मारपीट होती थी, मतलब वो दोनों ना हर छोटी छोटी बातों में बहस कर लेते थे, यहाँ तक कि जिस दिन रमा ने सुसाइड किया गोविंद ने उसे बहुत मारा था सर, इसलिए शायद। हाँ सर, मैंने भी गोविंद को कई बार समझाया कि रमा को ऐसे मारा ना करे, उसे गोविंद ना किसी की बात नहीं सुनता था। ठीक है, जब तक हम गोविंद को ढूंढ नहीं लेते कुछ भी कह पाना मुश्किल है, अभी हम लोग चलते हैं, लेकिन जैसे ही गोविंद के बारे में कुछ पता चले आप लोग हमें तुरंत इन्फॉर्म कीजिएगा। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, मोहन कर निकल यहाँ से। इंस्पेक्टर साहब, हम मोहन रमा के भाई, हमें बहन के बारे में आपको कुछ बताना है। चलो बाहर निकलो। हैं? छोड़ो उसे, तुम्हें अपनी बहन की मौत के बारे में क्या बताना है, बताओ मुझे। इंस्पेक्टर साहब, पिछले कई महीनों से रमा से न तो मेरी फोन पर बात हुई है, न ही इन लोगों ने उससे मुझे मिलने दिया है, और साहब सच तो ये है कि हम अपनी बहन से मिलने के लिए कई दिनों से इनके घर के सामने चक्कर काट रहे हैं। जिस दिन उसकी मौत हुई थी हमने इन्हें रमा का हाथ पकड़ के उसे घसीटते हुए घर के अंदर ले जाते हुए देखा था। रमा, मेरी बहन को कहाँ ले जा रहे हो? रमा साहब, हमें पूरा यकीन है हमारी बहन सुसाइड नहीं कर सकती, उसे जरूर इन्हीं लोगों ने मारा है। साहब, पूरे घर की तलाशी लो, कोई भी कोना छूटना नहीं चाहिए, जाओ। गोविंद तो यही है, आप लोगों ने तो कहा था कि ये यहां से भाग चुका है। इंस्पेक्टर साहब, ये लोग इंसान नहीं हैवान है, हैवान। उस दिन रमा दीदी को हंटर से मारते मारते बालकनी तक ले गए और वहां उनका पैर स्लिप हुआ और की जान चली गई, इन लोगों ने हमें बांध के वहां बंद कर दिया, हमारे साथ बहुत बुरा किया सर, इन्हें छोड़िएगा मत प्लीज सर। हंटर मारने का क्या अंजाम होता है अब तुम लोगों को जेल में ही समझ में आएगा। अरेस्ट कर लो इन तीनों को। भैया, रमा दीदी बहुत अच्छी थी, वो हमें हमेशा यकीन दिलाती थी कि हम एक दिन यहाँ से आजाद होंगे, और आज सब कुछ ठीक है तो वो हमारे बीच में नहीं।